Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. So today in this video we are discussing about PYQs of chemistry section. So let's get start from first question. The first question is which of the following reacts with cold water vigorously. यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें पूछा है कि कौन सा मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. सो द राइट ऑप्शन इज सोडियम. सोडियम जो है वो एक मेटल है. ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, सोडियम इज अ मेटल. सोडियम मेटल है एंड इट बिलोंग्स टू ग्रुप वन. इट बिलोंग्स टू ग्रुप वन. फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है. ग्रुप वन का नाम क्या है? नेम ऑफ ग्रुप वन इज अल्कली मेटल. अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स मीन्स कि ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही मेटल्स हैं. ठीक है, और अल्कली का मतलब होता है बेसिक. अल्कली का मतलब होता है बेस. तो जितने भी मेटल हैं वो कौन से नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के. और अगर बात करें इनके ऑक्साइड्स की, कि अगर मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं तो इनके ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर के ही होंगे. क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज सोडियम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर. ठीक है, यहाँ पे पूछा है नॉन मेटल. ठीक है, आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं. ठीक है, सबसे पहले दिया है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस. सोडियम जो है एक आपके पास मेटल है, मैंने अभी बताया. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सल्फर एंड फॉस्फोरस की. ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन सल्फर जो है वो एक्सपोज हो जाता है एयर में, तब ये फायर कैच नहीं करता है. तो लेफ्ट ऑप्शन बचा आपके पास फॉस्फोरस. सो द राइट ऑप्शन इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो है वो फायर कैच करता है ऑन एक्सपोजर टू एयर. ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फॉस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है. तो फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है इन कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर या चिल्ड वाटर बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0. ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा क्या है. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. एक एटम है जिसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. किस में? देखो, मे हैव द क्वांटम नंबर, उसका क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0. वैल्यूज दी हैं. ठीक है, n होता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज अ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. देखो, l की वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं? l की वैल्यू हम चेक करते हैं, ठीक है, हमारे पास सबशेल आते हैं s p d f. ठीक है, जिसमें s की वैल्यू होती है 0, p की होती है 1, d की होती है 2, f की होती है 3. ठीक है, तो l वैल्यू जो है वो हमें ये बताता है कि किसकी कौन सी वैल्यू है. देखो, यहाँ पे l दिया है 0, 0 दिया है, मीन्स कि l हमारे पास क्या है? s. तो ऑर्बिटल आ गया हमारे पास s, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 3, तो ये बन गया हमारे पास 3s ऑर्बिटल. और अगर 3s ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ही बॉक्स होता है. ठीक है, इसमें होता है हमारे पास एक बॉक्स जिसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो, ओनली टू, विद ऑपोजिट स्पिन. तो यही बात यहाँ पे पूछी कि 3s ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो आपका जो है राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 2 इलेक्ट्रॉन. इस तरह से आपने निकालना है. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. यहाँ पे बात कर रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन्स इंटैक्ट. इंटैक्ट मीन्स कि जब हम डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन्स की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है? रिमेन्स इंटैक्ट मीन्स रिमेन्स सेम. ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर सेम रहता है? तो यहाँ पे बोला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड नन ऑफ दीज. ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन ए, प्राइमरी. प्राइमरी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, क्योंकि प्राइमरी रिएक्शन ही जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप है, वो ही सेम रहता है. बाकी अगर हम आगे प्रोसेस करेंगे, फर्दर करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे और उसकी डीनेचुरेशन करेंगे, तो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट रहेगा, प्राइमरी. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट.
ठीक है, यहाँ पे बोला देखो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए जो कि उसको सेटल डाउन होने के लिए टाइम लगाए, ठीक है, कौन जो है वो टाइम लगाए। तो कौन लगाएगा टाइम, देखो जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले, ठीक है, जिप्सम ए ऑप्शन है आपके पास सही रहेगा, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम में होता है CaSO4 2H2O, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, ठीक है, मींस कि कैल्शियम सल्फेट में 2 moles वाटर है, ठीक है। देखो अब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो इसको ड्राई होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो ये खुद ही सीमेंट के ड्राइंग टाइम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो देखो पहले जिप्सम बना, उसके बाद ये बनेगा POP, इसको हीट करेंगे ये बनेगा POP बनेगा, POP के बाद आपके पास बनेगा डेड वर्न्ड प्लास्टर, जिसमें हमारे पास टोटल क्या बचेगा CaSO4, ठीक है, CaSO4 बनेगा, देन हमारे पास सीमेंट जो है वो ड्राई होगा, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज जिप्सम, जिप्सम को ऐड करने पे सीमेंट का ड्राइंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या तो ड्राइंग टाइम लिखा होगा या सेटलिंग टाइम लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इनमें से कौन सा फाइबर जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क है, नायलोन, रियोन, एक्राइलिक या फिर पॉलिएस्टर। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, रियोन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है। सो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच इज, स्पिनच में कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड, नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सैलिक एसिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर, ठीक है, एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है रेड आंट में या फिर स्टिंग ऑफ रेड आंट बोल सकते हैं, या नेटल स्टिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेड आंट स्टिंग मीन्स चींटी के डंक में, ठीक है, या तो नेटल स्टिंग बोल सकते हैं बिच्छू के डंक में, क्लियर। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है स्पिनच में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क या सोर मिल्क बोल सकते हैं, सोर मिल्क और कर्ड में, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितने आपके क्वेश्चन बन गए, 1, 2, 3, 4, कि एसिटिक एसिड किसका सोर्स है, कहाँ से हमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड रेड आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है, नेटल स्टिंग में प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिंच में होता है, टोमेटो में होता है, एंड द लैक्टिक एसिड इज सोर मिल्क में एंड कर्ड में प्रेजेंट होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच इज ऑक्सैलिक एसिड, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।